हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में शहर नई जिंदगी, वही सेगमेंट में आज हमने आपको माता वैष्णो देवी यात्रा पर यह खास रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना काल में 5 महीनों के लंबे इंतजार के बाद यात्रा शुरू हो गई। अगर आप भी वैष्णो देवी के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आप खुद को नई व्यवस्था के मुताबिक तैयार करने के लिए ये रिपोर्ट देखिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि माता के दर्शन कैसे होंगे। गले में वैष्णो देवी के प्रसाद की चुनरी और मुंह पर मास्क। कोरोना काल में वैष्णो देवी की यात्रा के बदलाव को बखूबी समझाती इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बताती है कि कैसे ईश्वरीय यात्रा को भी कोरोना वायरस ने बदल दिया है। वैष्णो देवी की यात्रा 5 महीने बाद दोबारा शुरू हो गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा में आने वाले भक्तों की कोरोना से बचाव के लिए हर जरूरी इंतजाम किए हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जगह जगह थर्मल स्कैनर लगाए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के थर्मल स्कैनर से होते हुए यात्रियों को जो है वो यात्रा करने दी जा रही है और लगातार यहाँ पर पूरे ट्रैक पे जो कि कटरा से भवन तक का करीब 14 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ इस तरह के थर्मल स्कैनर्स लगाए गए हैं ताकि जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जाए और अगर किसी यात्री को बुखार जैसी समस्या होती है तो उसको रास्ते में ही डिटेक्ट किया जाए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस बार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से संक्रमण के बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे यात्रा कॉरिडोर को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर में है और किस तरह यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। लगातार इस तरह की टीमें जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई है पूरा कटरा से लेके भवन तक के 14 किलोमीटर के ट्रैक में, जहाँ पर पूरे रास्ते को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस पिछले 5 महीने से लगातार चल रहा है और अब जबकि यात्रा अब शुरू हुई है यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हो इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट पर जहां से यात्रा की लाइन शुरू होती है वहां इस तरह के गोल चक्कर जो है वो बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फार्मूला है उसको सख्ती से लागू किया जा सके। भवन के अंदर दाखिल होने के बाद दर्शन प्रक्रिया में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। मंदिर के दर्शन स्थल के आसपास यात्रियों के हाथ लगाने और माथा टेकने पर रोक रहेगी। वैष्णो देवी की पिंडी को तिलक नहीं लगाया जाएगा। प्रसाद वितरण भी नहीं होगा। माता श्राइन बोर्ड की तरफ से किए गए इंतजामों से यहां पहुंच रहे यात्री भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत बदलाव है, जगह जगह थर्मल स्कैनर लगे हुए हैं, सैनिटाइजर लगे हुए हैं, प्रॉपर चेकिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत बढ़िया इंतजाम। और भले ही अभी यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या कम हो लेकिन आने वाले हर भक्त के मन में माता से बस एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत समेत पूरी दुनिया को इस कोरोना की आपदा से निजात मिले। माता वैष्णो से हमने मांगा कि जो यहाँ पूरे विश्व में बीमारी फैली हुई है ये ठीक हो जाए, जल्दी से पुराने जैसे हालात वापस आ जाए। जम्मू कश्मीर से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। जय माता दी, बोले संजय दरबार।